हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आप सबका स्वागत है उड़ीसा ब्लॉग के एक नए वीडियो में। और मैं खड़ा हूं अभी भुवनेश्वर के बैताला टेंपल के ठीक सामने, और सामने आप ये बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड लगाया है ASI ने। और देखिए, इस मंदिर का नाम यहां पे मेंशन किया हुआ है, बैताला शिशिरेश्वरा टेम्पल 8th century AD। इस मंदिर की उम्र करीब 1200 साल है, और आप देख सकते हैं यहाँ उड़िया भाषा में लिखा हुआ है कि इस मंदिर में किस देवी या देवता की पूजा होती है। वहीं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के गेट की तरफ, और ये देखिए, ये छोटा सा गेट मंदिर का है, और यहाँ सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। ये मंदिर समय के साथ थोड़ा रोड से नीचे की तरफ हो गया है, और देखिए ये मंदिर आप मेरे सामने देख सकते हैं, 1200 साल पुराना ये मंदिर है। माँ चामुंडा का मंदिर है, माँ चामुंडा यानी माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती का एक स्वरूप है। देखिए ये मंदिर 1200 साल से यहाँ पर खड़ा है, न जाने इसने कितने ही भूकंप और कितने ही आपदा यहाँ पे झेली है, और फिर भी ये यहाँ पे खड़ा है। ये मंदिर बना है खाकड़ा स्टाइल में, जो कि कलिंगा आर्किटेक्ट का पार्ट है। इसके शीर्ष पर तीन शिखरों के कारण स्थानीय रूप से इस मंदिर को तीनी मुंडिया के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि तीन शिखर देवी चामुंडा की तीन शक्तियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। हम अब आगे बढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा मंदिर। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं वो छोटा सा गेट जहाँ से हम अंदर आए थे, और ये मंदिर का सामने का हिस्सा है। देखिए ये है वो गेट जहाँ पे अभी ताला बंद है, क्योंकि अभी दोपहर का समय है और हमें पता चला है कि दोपहर के समय ये मंदिर बंद रहता है। हम माँ चामुंडा के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं कोशिश करूँगा आपको इस मंदिर के बारे में जितना हो सके मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोकल गाइड तो कोई है नहीं जो हमें इस मंदिर के जो ईच एंड एवरी डिटेल हमें बताएं। हम इस मंदिर के दाहिने तरफ आते हैं तो सामने हमें मंदिर के ऊपर की गई कारीगरी दिखती है। आप सामने देख सकते हैं कितनी सुंदर कारीगरी यहाँ पे की गई है मंदिर के ऊपर। और ये मंदिर, मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, ये मंदिर 1200 साल पुराना है। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए मंदिर का ये शिखर है, इस शिखर पर एक छोटा सा पेड़ निकल आया है। इस मंदिर को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें इसे बचाना है, क्योंकि हम यहाँ मूर्तियों पर देख सकते हैं, जो मूर्तियाँ मंदिर के ऊपर बनाई गई हैं वह धीरे धीरे अभी ख़राब होने लगी हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे एक और इससे जुड़ा हुआ एक मंदिर है, ये इसी मंदिर का पार्ट है, और इसका शिखर आप देख सकते हैं, इस शिखर पर भी कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आए हैं। ये देखिए यहाँ पे भगवान गणेश की यहाँ पे एक मूर्ति है, और ऊपर की गई कारीगरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा ऊपर का कारीगरी, ये डिटेल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मंदिर के ऊपर की गई कारीगरी, और देखिए यहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति जिन पर कुछ पुष्प भी चढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो मूर्ति हम यहाँ पे देख रहे हैं गणेश भगवान की, इनकी पूजा होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा हमें, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ऊपर की तरफ की गई कुछ कारीगरी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार की कारीगरी यहाँ 1200 साल पहले की गई थी हमारे भारतीय कारीगरों द्वारा। देखिए ये रहा पूरा कारीगरी, देखिए हर कारीगरी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे कोई गाइड ना होने की वजह से मैं आपको इन कारीगरी के मतलब को मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक और मूर्ति जो पूरी तरह ख़राब हो गई है, देखिए यहाँ पे भी एक मूर्ति है जो कि खंडित हो गई है, इनके देखिए हाथ यहाँ पे टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। सोचिए कैसे थे वो कारीगर जिनके अंदर इतना संयम था, जिन्होंने पत्थर काट कर इतनी सुंदर कारीगरी की और इन पत्थरों को मंदिर का रूप दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं खंडित हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर ख़त्म होता है, ये मंदिर का सामने का हिस्सा है, देख सकते हैं आप, और आसपास कुछ घर भी बन गए हैं जिनके कारण हमें बहुत ज़्यादा रिस्क। हम यहाँ पे खड़े होकर
आप शूट कर रहे हैं, हमें कई लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। मैं आपको पूरा मंदिर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये है वो मंदिर, आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ। देखिए अभी आप जो फ्रेम में देख पा रहे हैं मंदिर, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए ये है भगवान नटराज की मूर्ति, नटराज यानी स्वयं महादेव, स्वयं महादेव की मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ पे कई देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जिनमें से भगवान शिव, भगवान गणेश और काफ़ी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और काफ़ी ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समय के साथ मूर्तियाँ, कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं, कुछ कुछ के चेहरे साफ नहीं हैं, तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये मूर्तियाँ किन की हैं। हम अभी यहाँ से वापस पीछे की तरफ जाएंगे और देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने कितनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, और साफ सफाई का बहुत कम यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और देखिए यहाँ पे भी ये भी कुछ है, एक पिलर है जिस पर कुछ मूर्तियाँ अंकित हैं। देखिए यहाँ पे भी सामने एक आप पिलर देख सकते हैं जिस पर एक मूर्ति है। समस्या ये है कि ये मूर्तियाँ किन की हैं वो बताना थोड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि जो चेहरा है वो पूरी तरह यहाँ पे क्लियर नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुआं है, इस कुएं में काफ़ी पेड़ पौधे आ गए हैं, लेकिन देख सकते हैं आप इसमें पानी है, और ये पानी यहाँ के लोग यहाँ पे जो मंदिर में रहते हैं वो पानी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बगल में मुझे एक बाल्टी भी दिख रही है, तो पानी यहाँ पर यूज़ होता है। देख सकते हैं आप ये मंदिर का वॉल है, आप देख सकते हैं ये स्टोन, आप देख सकते हैं पूरा स्टोन से ये बाउंड्री किया हुआ है। और ये रहा सामने हमारा ये पूरा मंदिर, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए ये बेसिकली सामने का स्ट्रक्चर है, सामने से मंदिर ऐसा है। तो दोस्तों बैताला शिशिरेश्वर टेम्पल में बस इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।